प्रदेश में तीसरी भाषा के रूप में अब विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ साथ उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के शिक्षक भी मिलेंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के इच्छुक 10 बच्चों पर भी अब शिक्षक लगाए जाएंगे। यह घोषणा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर की। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, हाकिम अली खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने तृतीय भाषा को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो फैसला लिया है वह ऐतिहासिक है, जिससे संस्कृत के साथ साथ अन्य तृतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिसे देखते हुए तृतीय भाषा के 480 पद और बढ़ाए जा रहे हैं। भाषा को लेकर के किया गया बड़ा फैसला है। एक जो हमारे कक्षा 1 से 8 तक के जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उनको लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। उन दो की जानकारी देनी है और एक नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है उसमें जो कक्षा 10 का जो सर्वे किया गया है उसके बारे में जो हमारे सरकार की या राजस्थान की जो उपलब्धि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक विषय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो अंत में मैं आपको बताऊंगा, हमारी सरकार ने कई दिनों से जो तृतीय भाषा का मसला चल रहा था, तृतीय भाषा को कमजोर करने की बातें कुछ लोगों के द्वारा कही जा रही थी, और 2015-16 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जो उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न किया उसमें तृतीय भाषा को कमजोर करने का काम किया था। जुलाई में जब राजस्थान विधानसभा का सत्र था तो मैंने शिक्षा मंत्री के नाते एक बात कही थी कि तृतीय भाषा चाहे उसमें उर्दू हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उसको कमजोर